नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिलासपुर भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि बिलासपुर जंक्शन से भगत की कोठी तक चलती है। बिलासपुर भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर सोमवार और मंगलवार को बिलासपुर जंक्शन से भगत की कोठी तक चलती है और हर गुरुवार और शनिवार को भगत की कोठी से बिलासपुर जंक्शन तक चलती है। बिलासपुर जंक्शन से भगत की कोठी तक 20,843 के रूप में संचालित होती है और विपरीत दिशा से भगत की कोठी से बिलासपुर जंक्शन तक 20,844 के रूप में संचालित होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। बिलासपुर जंक्शन से शाम के 6:25 में प्रस्थान होती है और 32:05 बाद तीसरे दिन की रात 2:30 में भगत की कोठी पहुंचती है। बिलासपुर जंक्शन से भगत की कोठी तक पहुंचने के लिए 3 दिनों में 35 प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है। तकरीबन 1821 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस ट्रेन की 57 किलोमीटर पर आवर है। LSB कोच वाले ट्रेन है। अगर रूट के बारे में बात करें तो बिलासपुर जंक्शन से अपनी यात्रा को स्टार्ट करती है, फिर फटाफरा स्टेशन होते हुए रायपुर जंक्शन में पहुंचती है, फिर दुर्ग जंक्शन, राजनंदनगांव स्टेशन, गोंदिया जंक्शन, नागपुर जंक्शन, प्रोडुमना स्टेशन, इटारसी जंक्शन, नर्मदापुरम स्टेशन, रानी कमलापुरी स्टेशन, भोपाल जंक्शन, सीहूर स्टेशन, सुजलपुर स्टेशन, बेरसा स्टेशन, उज्जैन जंक्शन, नागदा जंक्शन, विक्रमगढ़ आलूट स्टेशन होते हुए सोमहला स्टेशन में पहुंचती है, फिर शामगढ़ स्टेशन, रामगंज मंडी जंक्शन, सवाई मधोपुर जंक्शन, बनस्थली निमाई स्टेशन, दुर्गापुरा स्टेशन, जयपुर जंक्शन, मकराना जंक्शन, देगाना जंक्शन, मेहता रोड जंक्शन, गोटान स्टेशन होते हुए 32:05 बाद तीसरे दिन की रात 2:30 में भगत की कोठी पहुंचती है। खाने पीने के बारे में बात करें तो बिलासपुर भगत की कोठी साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में खाने पीने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यात्रियों को खाने पीने के सामान अपने साथ या स्टेशन से लेकर खाना होगा। अगर टिकट किराए की बारे में बात करें तो बिलासपुर भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। तो मैं अभी आपको जो टिकट किराया बताऊंगा बिलासपुर जंक्शन से भगत की कोठी तक का है। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कन्फर्म करें। बिलासपुर जंक्शन से भगत की कोठी तक फर्स्ट एसी का किराया है 4,775 रुपया। बिलासपुर जंक्शन से भगत की कोठी तक एसी 2 टायर का किराया है 2,725 रुपया। बिलासपुर जंक्शन से भगत की कोठी तक एसी 3 टायर का किराया है 1,945 रुपया। बिलासपुर जंक्शन से भगत की कोठी तक स्लीपर क्लास का किराया है 745 रुपया और बिलासपुर जंक्शन से भगत की कोठी तक जनरल कोच का किराया है 395 रुपया। ये अपडेटेड है और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे के वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे की बात करते हैं। बिलासपुर भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का कितना समय के लिए रुकते हैं, उसका टाइम टेबल क्या है और जान लेते हैं कौन कौन सा स्टेशन आते हैं। बिलासपुर जंक्शन स्टेशन कोड BSP शाम के 6:25 में बिलासपुर भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की यात्रा भगत की कोठी के लिए प्रारंभ होते है। फटापारा स्टेशन, स्टेशन कोड BYT शाम के 7:03 में पहुंचती है और 7:05 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। रायपुर जंक्शन, स्टेशन कोड R शाम के 8:05 में पहुंचती है और 8:10 में प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। भिलाई पावर हाउस स्टेशन, स्टेशन कोड PBHP शाम के 8:37 में पहुंचती है और 8:38 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। दुर्ग जंक्शन, स्टेशन को DURG शाम के 9:05 में पहुंचती है और 9:10 में प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है।
राजनंदन गांव स्टेशन स्टेशन को RJN शाम के 9:31 में पहुंचते हुए और 9:33 में प्रस्थान को 2 मिनट का स्टॉपेज है। गोंदिया जंक्शन स्टेशन को जी शाम के 11:03 में पहुंचते हुए और 11:05 में प्रस्थान को 2 मिनट का स्टॉपेज है। नागपुर जंक्शन स्टेशन को NGP रात के 1:10 में पहुंचती है और 1:30 में प्रस्थान होती है 20 मिनट का स्टॉपेज है। पडुन्ना स्टेशन स्टेशन को PAR रात के 2:48 में पहुंचती है और 2:50 में प्रस्थान होती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। इटारसी जंक्शन स्टेशन को ET सुबह के 6:20 में पहुंचती है और 6:25 में प्रस्थान हो रही है 5 मिनट का स्टॉपेज है। नर्मदापुरम स्टेशन स्टेशन को NDPM सुबह के 6:42 में पहुंचती है और 6:44 में प्रस्थान हो रही है 2 मिनट का स्टॉपेज है। रानी कमलापुटी स्टेशन स्टेशन को RKMP सुबह के 8:03 में पहुंचती है और 8:05 में प्रस्थान को 2 मिनट का स्टॉपेज है। भोपाल जंक्शन स्टेशन को BPL सुबह के 8:25 में पहुंचती है और 8:35 में प्रस्थान को 10 मिनट का स्टॉपेज है। सेहूर स्टेशन स्टेशन को SEH सुबह के 9:26 में पहुंचती है और 9:26 में प्रस्थान को 2 मिनट का स्टॉपेज है। सुजलपुर स्टेशन स्टेशन को SJP सुबह के 10:02 में पहुंचती है और 10:04 में प्रस्थान को 2 मिनट का स्टॉपेज है। बेरसा स्टेशन स्टेशन को BCH सुबह के 10:40 में पहुंचती है और 10:42 में प्रस्थान को 2 मिनट का स्टॉपेज है। उज्जैन जंक्शन स्टेशन को UJN दोपहर के 11:50 में पहुंचती है और 11:55 में प्रस्थान को 5 मिनट का स्टॉपेज है। नागडा जंक्शन स्टेशन को NLE दोपहर के 1:10 में पहुंचती है और 1:25 में प्रस्थान को 15 मिनट का स्टॉपेज है। विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन स्टेशन को VMA दोपहर के 1:48 में पहुंचती है और 1:50 में प्रस्थान को 2 मिनट का स्टॉपेज है। सोमहला स्टेशन स्टेशन को CMU दोपहर के 2:08 में पहुंचती है और 2:10 में प्रस्थान को 2 मिनट का स्टॉपेज है। सुवासारा स्टेशन स्टेशन को SBA दोपहर के 2:21 में पहुंचती है और 2:23 में प्रस्थान को 2 मिनट का स्टॉपेज है। सामगढ़ स्टेशन स्टेशन को SGZ दोपहर के 2:33 में पहुंचती है और 2:35 में प्रस्थान को 2 मिनट का स्टॉपेज है। रामगंज मंडी जंक्शन स्टेशन को RMA दोपहर के 3:18 में पहुंचती है और 3:20 में प्रस्थान को 2 मिनट का स्टॉपेज है। कोटा जंक्शन स्टेशन को KOTA शाम के 4:40 में पहुंचती है और 4:50 में प्रस्थान होती है 10 मिनट का स्टॉपेज है। इंद्रगढ़ हुमेरगंज मंडी स्टेशन स्टेशन को IDG शाम के 5:43 में पहुंचती है और 5:45 में प्रस्थान होती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। सवाई मधुपुर जंक्शन स्टेशन को SWM शाम के 6:25 में पहुंचती है और 6:40 में प्रस्थान होती है 15 मिनट का स्टॉपेज है। बनस्थली न्याय स्टेशन स्टेशन को BNLW शाम के 7:33 में पहुंचती है और 7:35 में प्रस्थान होती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। दुर्गापुरा स्टेशन स्टेशन को DPA शाम के 8:27 में पहुंचती है और 8:30 में प्रस्थान होती है 3 मिनट का स्टॉपेज है। जयपुर जंक्शन स्टेशन को JP शाम के 9:00 पहुंचती है और 9:10 में प्रस्थान होती है 10 मिनट का स्टॉपेज है। कुशामन सिटी स्टेशन स्टेशन को KMNC शाम के 10:42 में पहुंचती है और 10:44 में प्रस्थान होती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। मकराना जंक्शन स्टेशन को MKN शाम के 10:57 में पहुंचती है और 11:00 प्रस्थान होती है 3 मिनट का स्टॉपेज है।
डेगाना जंक्शन स्टेशन को डीएनए शाम के 11:30 में पहुंचती है और 11:33 में प्रस्थान करती है। 3 मिनट का स्टॉपेज है। मेटा रोड जंक्शन स्टेशन को एमटीडी रात के 12:08 में पहुंचती है और 12:13 में प्रस्थान करती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। गोटान स्टेशन स्टेशन को GUTN रात के 12:36 में पहुंचती है और 12:37 में प्रस्थान करती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। जोधपुर स्टेशन स्टेशन को JU रात के 1:50 में पहुंचती है और 2 बजे प्रस्थान करती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। भगत की कुठी स्टेशन को BGKT रात के 2:30 में भगत की कुठी पहुंचती है। दोस्तों इसके साथ ही बिलासपुर भगत की कुठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं किसी और ट्रेन के बारे में हम वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।